दोस्तों, मैं एक नया ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ आज, और ये मैंने 5G फ़ोन है MI का 11X, जो मैंने पहले से ऐड टू कार्ट कर रखा है। और जब भी 8,000 के रेंज में MI 11X आता है तो मैं ऑर्डर लगा लेता हूँ, क्योंकि ये 8,000 रुपये के रेट में ओरिजिनल डिस्प्ले में कभी कभी आ पाता है दोस्तों, और 10-11 हज़ार रुपये का शॉप पर आराम से बिक जाता है। तो देखिए, इसमें माइनर डिस्कलरेशन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें बैक कैमरा ब्लर है दोस्तों, और माइनर स्क्रैच है। तो फ़ोन की कंडीशन बहुत ही न्यू कंडीशन आने वाली है, और बैक कैमरा ब्लर है, तो चला के देखेंगे कितना ब्लर आया है। तो बाकी फ़ोन में ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे ये फ़ोन बहुत ही अच्छे रेटों में मिल रहा है। देखिए, 7866 रुपये का है, और जब हम ऑर्डर लगाएंगे दोस्तों तो 1.2% डिलीवरी चार्ज भी लग जाता है, COD चार्ज होता है जो कि। तो चलिए एड्रेस ले लेते हैं अपना, पहले कोई कूपन लगा के देख लेते हैं दोस्तों। वैसे कोई कूपन लग तो रहा नहीं है, पता नहीं क्या मजाक चल रहा है, कूपन नहीं लग रहा कोई। 50 रुपये का कूपन लग जा रहा है बस, जैसे कि बहुत ही बड़ी रकम हो 50 रुपये। तो चलिए दोस्तों, देखिए जैसा कि हमेशा की तरह मैंने बताया, 50 रुपये का ही कूपन लग पा रहा है बस, तो वो मैंने लगा दिया है। और देखिए, मैं अपना एड्रेस चूज़ कर लेता हूँ, ये देखिए शॉप का एड्रेस है। और किसी और भाई को भी ऑर्डर लगवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ऑर्डर चार्ज हमारा 250 रुपये है। और देखिए, COD में मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो दोस्तों ये 7976 रुपये का हो गया है ये फ़ोन। तो चलिए ऑर्डर लगा लेते हैं, इसे पे नाउ पे कर देते हैं। और दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप हमसे ऑर्डर लगवा सकते हैं, डिलीवरी हो जाती है पूरे इंडिया में कहीं भी, और 3 से 4 दिन लगते हैं। और बेफिक्र रहिए दोस्तों, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी होती है आप तक डिलीवर करवाने की। और अगर किसी को यह फ्रॉड काम और फर्जी काम लगता हो तो वो हमसे कृपया ऑर्डर ना लगवाए, उनसे रिक्वेस्ट है हमारी। तो देखिए, ऑर्डर लग चुका है, और नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या दोस्तों जो मैं इसकी वीडियो डालूंगा उसमें भी, वीडियो के ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा मेरा, और जो बिल होता है बिल पे भी नंबर लिखा हुआ है। तो किसी को ऑर्डर लगवाना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? रॉयल अनबॉक्सिंग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास एक नया पैकेट डिलीवर हुआ है, जिसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। ये देखिए, ये 50 रुपये का 8,675 रुपये का पैकेट है ये, और ये हमने COD में मंगवाया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वेंडर कोड है मेरा SU899, और ये मैंने COD मोटर लगाया है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं। तो दोस्तों, जो चैनल पे पहली बार आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी हमसे ऑर्डर लगवा के फ़ायदा उठा सके, सस्ते रेटों में फ़ोनों का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। बहुत ही सस्ते रेटों में आते हैं, क्योंकि हमारी कैशिफाई सुपर सेल पर ID बनी हुई है, जो कि दुकानदारों की ID बनी होती है, B2B ऐप है ये, और होलसेल रेटों में फ़ोन होते हैं ये। तो अगर किसी को ऑर्डर लगवाना हो तो हमसे लगवा सकते हैं, हमसे ऑर्डर चार्ज हमारा 250 रुपये होता है, जो कि बहुत रीजनेबल है, और ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी हो जाती है दोस्तों। तो ये देखिए, सबसे ऊपर फ़ोन आ चुका है, और ये रहा इसका बिल। तो बाकी चीज़ें हम साइड में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल है, ऊपर ही बिल रखा हुआ है। तो चलिए बिल देख लेते हैं पहले। तो ये फ़ोन मैंने पहले भी ऑर्डर लगा रखा है, जब भी 8,000 की रेंज में आता है फ़ोन ये ओरिजिनल डिस्प्ले में, मैं इसको ऑर्डर लगा लेता हूँ। तो ये देखिए, 7975 रुपये का फ़ोन है ये, और सेकेंड हैंड है MI। तो देखिए दोस्तों, हमारा बिल भी आपको जैसे कि मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये रहा, ये हमारे शॉप का एड्रेस है, और मोबाइल नंबर भी आपको पता ही है, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, EMI नंबर है फ़ोन के, जो मैं आपको बाद में भी चेक कराऊँगा। और ब्लैक कलर का फ़ोन है ये 11X, जो कि मैं कई दफ़े मंगा चुका हूँ, कई बार मंगा चुका हूँ, और ओरिजिनल डिस्प्ले में जैसे ही मेरे को 8,000 की रेंज में ये दिखाई पड़ता है तो मैं इसको ऑर्डर लगा ही लेता हूँ, क्योंकि ये आराम से हमारी शॉप पे 10-11 हज़ार रुपये का दोस्तों बिक जाता है। सी ग्रेड में है ये, तो एक प्रॉब्लम में मंगाया है इसमें, मैंने बैक कैमरा ब्लर मंगाया है मैंने ये। और चलिए देखेंगे बैक कैमरा ब्लर कैसा आता है, बाकी फ़ोन कंडीशन में बिल्कुल, मैं इसकी QC रिपोर्ट भी डालूंगा दोस्तों वीडियो से पहले, तो QC रिपोर्ट में देख के आपको ये पता लग जाएगा। वैसे तो QC रिपोर्ट में बिल्कुल ये ब्रांड न्यू कंडीशन में दिखा रखा है, क्योंकि माइनर स्क्रैच में मंगाया है, तो माइनर का मतलब होता है कि स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे इसमें। तो चलिए फ़ोन को निकाल के देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या बिल्कुल कंडीशन निकल के आई है फ़ोन की। तो दोस्तों यही होता है, ये सेट देखिए कितना अच्छा है। बाकी कलर ये ब्लैक आया है, इसमें एक वाइट कलर भी आता है, और एक इसमें ब्लू कलर भी आता है, स्काई ब्लू। तो दोस्तों लगता है हमारी किस्मत में ब्लैक कलर ही है निकले हुए, क्योंकि कलर का दोस्तों पता तो रहता नहीं है, कलर जो है रेंडमली आते हैं, लेकिन ब्लैक भी ठीक है। देखिए शीशा टाइप का दिखाई देता है, अगर आप कहीं फ़ोन लेकर ट्रैवल कर रहे हो और आपको अपने बाल वगैरह सेट करने हो, या किसी लेडीज़ को लिपस्टिक वगैरह सेट करनी हो, तो देखिए शीशे का काम करता है। देखिए मेरा भी चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर, और
कैमरे का सेटअप देख लीजिए दोस्तों, कैमरे का इसके दोस्तों तीन कैमरे का सेटअप होता है इसमें। और एक देखिए इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि माइक इसमें देखिए, जैसे आप वीडियो बनाएंगे तो माइक इसमें ऊपर ही दे रखा है, तो वीडियोग्राफी में बहुत काम आता है ये। और कैमरा भी बहुत अच्छा होता है इसका, जैसे ही आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वॉइस बहुत अच्छी इसमें कैप्चर होगी। तो दोस्तों और स्टिकर के बारे में भी मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि दोस्तों स्टिकर रिमूव ना करें, स्टिकर से 48 घंटे की वारंटी होती है, और ना ही बारकोड रिमूव करें, पहले अच्छी तरीके से चेक कर ले उसके बाद स्टिकर रिमूव करें, नहीं तो इसकी अगर आपने इमीडिएटली स्टिकर हटा दिया तो वारंटी इसकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम भी रही तो ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, ना ही रिटर्न हो पाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये मॉडल जो भी भाई मंगाया वो अच्छी तरीके से चेक जरूर कर ले, गेमिंग वगैरह टेस्ट कर ले, और कोशिश करें फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करने की, चलाने की, क्योंकि इन फ़ोनों में दोस्तों जो है सीपीयू की प्रॉब्लम आती है और ये चलते चलते बंद भी हो जाते हैं। मैंने एक फ़ोन ये जो है गुजरात में डिलीवर करवाया था, तो उन भाई का ऐसे ही हुआ था, चलते चलते बंद हो रहा था ये, और फिर बाद में तो बंद ही हो गया था दोस्तों, डेड ही हो गया था एक दो दिन में ही, तो मैंने इसको रिटर्न डलवा दिया था, क्योंकि दोस्तों सारी बातें बताना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं हम पॉजिटिव बातें बताएं, दोस्तों कंपनी की जो नेगेटिव बातें हैं वो भी बताना सही है। और ये देखा जाए तो कंपनी की दोस्तों कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये ऐसा होता है कि कुछ मोबाइल जो होते हैं पर्टिकुलर उनमें सीपीयू में दिक्कत आती ही आती है, तो कंपनी भी 48 घंटे की आपको वारंटी दे रही है चेक करने के लिए। तो इन एटेक्स एमआई जो है 11X में बहुत ज़्यादा जो है सीपीयू की प्रॉब्लम आती है, जो बंद चालू होने की और डेड भी हो जाते हैं, तो अच्छी तरीके से चेक कर ले पहले। तो चलिए दोस्तों फ़ोन देख पा रहे हैं आप कंडीशन में, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में देखिए, साइड में से देखिए बिल्कुल भी एक भी स्क्रैच नहीं है, और देखिए इस साइड से भी देखिए दोस्तों बिल्कुल भी स्क्रैचेस वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा, देखिए नीचे से भी देखिए दोस्तों बिल्कुल कंडीशन में बिल्कुल लाजवाब है फ़ोन, शाइनिंग आ रही है बहुत ही अच्छी फ़ोन में, और यहाँ से भी देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लीन है, और डिस्प्ले तो दोस्तों बिल्कुल माइनर के डिस्प्ले में तो कोई स्क्रैच है ही नहीं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखिए डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में डिस्प्ले आया। तो चलिए ऑन करके देख लेते हैं एक बारी, देखिए दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है ये, और कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी, कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों डुअल स्पीकर होता है इसमें, एक स्पीकर ऊपर है एक नीचे है, डुअल स्पीकर होता है, और टाइप सी का चार्जिंग जैक है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो मैं इसको भी आपको फास्ट चार्जिंग करके दिखाऊंगा। सिम इजेक्टर ये रहा, सिम ट्रे का, जो यहाँ पे दो सिम डाल सकते हो आप, और इसमें ऊपर एक एक्स्ट्रा माइक भी दिया होता है। और दोस्तों रेडमी के जो फ़ोन होते हैं उनमें आप रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं, एमआई रिमोट भी होता है हर फ़ोन में होता है, तो इसमें देखिए फिंगरप्रिंट साइड में है, और वॉल्यूम अप और डाउन का बटन भी दे रखा है, और बाकी ज़्यादा कुछ तो इसमें दोस्तों इसमें ऑडियो जैक नहीं है, तो देखिए ऑडियो जैक के लिए इसका जो है चार्जिंग जैक ही यूज़ होता है, इसमें ऑडियो जैक लगता है, तो अलग से ऑडियो जैक का दे नहीं रखा है इसमें कहीं भी। तो फ़ोन ऑन हो चुका है, और देखिए दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले होती है इसकी, सुपर एमोलेड, जैसे कि आपको पता ही है, ये देखिए दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक वाली डिस्प्ले होती है, और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग इसमें आती है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों मैंने ब्राइटनेस आधी कर रखी है, फुल भी करके दिखाता हूँ, देखिए कितनी ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस बड़ी लाजवाब होती है, और देखिए छोटी सी इसमें नोट बिल्कुल बिंदी दे रखी है, कटआउट जो है कैमरे का, फ्रंट कैमरे का बहुत छोटा सा है, और 5000 mAh की बैटरी है दोस्तों, 5G फ़ोन है और 5G का सारे बैंड सपोर्ट करता है ये, तो इसमें सिम डाल के भी मैं आपको दिखाऊंगा, और अंदर से भी दिखाऊंगा 5G आ रहा है कि नहीं, और इसमें वाईफाई ब्लूटूथ सभी कुछ चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले कैमरा चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो चलिए देखिए कैमरा देखते हैं इसका, तो देखिए दोस्तों बैक कैमरा इसका जो है, जो कि मैंने ब्लर में मंगाया है, तो देखते हैं दोस्तों झूठ बोलने का हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है। तो देखिए हमने बैक कैमरा इसका ब्लर में मंगाया है, और दोस्तों बैक कैमरा देखिए हल्का फुल्का ब्लर है भी, मैं क्यों झूठ बोलूं दोस्तों आप लोगों से, मेरा बिल्कुल सच बोलने का ईमानदारी का काम है। तो देखिए दोस्तों बैक कैमरा में ब्लर में मंगाया, और देखिए बैक कैमरा इसका ब्लर है भी, देखिए फोकस नहीं कर रहा कुछ भी लिखे हुए पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो सेकेंड वाला कैमरा है तो वो वाला भी देख लेते हैं, तो वो तो दोस्तों ठीक है बिल्कुल, और जो इसका बिल्कुल वाइड एंगल का कैमरा देखिए वो भी दोस्तों बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो देखिए कैमरे वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये वाइड एंगल का कैमरा है दोस्तों। तो बस बीच वाला जो मेन कैमरा है दोस्तों वो ब्लर है, हाँ ब्लर है, क्योंकि मैंने ब्लर में ही मंगाया है, तो मेरे को इतना चलेगा दोस्तों, मैं इसको आराम से बेच लूँगा, सेल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं एक बार चला के, तो देखिए दोस्तों फ्रंट कैमरा भी इसका बिल्कुल ओके है, बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रंट कैमरे में दोस्तों।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल इसका ठीक है, दोनों कैमरे इसके बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। और फ्रंट पे दोस्तों सिंगल ही कैमरा, तो एक ही कैमरा आता है। और बाकी मैं एक बार आपको इसके अंदर से जो है, इसमें दोस्तों अपडेट भी आते रहते हैं, अभी भी इसमें देखिए 14 वर्जन है लेकिन फिर भी इसमें अपडेट आया हुआ है। और देखिए 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, और मैं आपको रैम भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 6+2 GB रैम है इसकी, देखिए 6+2 GB की रैम है इसकी। और मेन जो रैम है इसकी वो 6 GB में मैंने मंगाया है, MI 11X। देखिए डिवाइस का नेम भी देख लिया आपने। तो चलिए दोस्तों बाकी चीज़ें भी मैं आपको इसमें चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें फिंगरप्रिंट लगा के दिखाता हूँ कि इसका फिंगरप्रिंट कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए फिंगरप्रिंट लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों थोड़ी लाइट वाइट ज़्यादा लग रही होगी, देखिए ऊपर की भी लाइट दिखाई दे रही है, क्योंकि रात के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो दिन में दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पाता, कस्टमर भी रहते हैं, तो इसलिए रात में करता हूँ मैं। तो देखिए फिंगरप्रिंट लग तो रहा है दोस्तों, लगने में थोड़ा स्लो ज़रूर है लेकिन जब लग जाएगा तब देखेंगे कैसे काम करता है। तो देखिए लग चुका है फिंगरप्रिंट, तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं कैसे चलता है। तो देखिए दोस्तों कितनी स्पीड में फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, देखिए लगाते ही हल्का से लगाते ही काम कर रहा है, देखिए स्पीड में। तो लगने में स्लो जरूर है लेकिन खुलने में बहुत ही फास्ट है। और ये फ़ोन भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही फास्ट है, क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन है, प्रोसेसर इसका 5G प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है जो कि गेमिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। तो चलिए इसमें दोस्तों वाईफाई भी कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बारी, फिंगरप्रिंट मैंने आपको दिखाई दिया, वाईफाई भी कनेक्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें देखनी चाहिए फ़ोन में कि क्या कभी कुछ चीज़ में प्रॉब्लम निकल के आ जाए, इसलिए हर चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। जब आपको टाइम मिल रहा है दोस्तों चेक करने के लिए 48 घंटे, तो आप जो है अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए फ़ोन को। आप भी चेक करिए और मैं भी चेक करता हूँ, और ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पता लगा थोड़ी बहुत देर में कोई फ़ोन चेक होते नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है फ़ोन चेक करने में, वैसे भी अच्छी होती है। और चलिए वाईफाई हम बंद कर लेते हैं एक बार, इसका ब्लूटूथ चेक कर लेते हैं, तो सिम भी डाल के चेक कराऊंगा मैं आपको इसके बाद, पहले ब्लूटूथ देख लेते हैं, कोई आसपास ब्लूटूथ ऑन होगा तो दोस्तों कैच कर लेगा ये। तो दोस्तों अभी लगता है कोई डिवाइस आसपास है नहीं अवेलेबल, लेकिन ब्लूटूथ ऑन हो गया है ये, तो ऑन होने का मतलब ये है कि सही है ये। तो ब्लूटूथ मैंने आपको चेक करा दिया एक बार, फ्लैश लाइट भी चला के देख लेते हैं इसकी। तो ये देखिए दोस्तों फ्लैश लाइट भी जला के देख लेते हैं, तो फ्लैश लाइट भी इसकी बिल्कुल वर्किंग पे है, कोई दिक्कत नहीं है फ्लैश लाइट में भी। और बाकी ओवरऑल मैं आपको चीज़ें चेक करा चुका हूँ, बस इसमें आपको मैं अब दोस्तों सिम डाल के चेक कराऊंगा, और मैं इसमें आपको जो है चार्जिंग भी इसकी चेक कराऊंगा दोस्तों, दोनों चीज़ें चेक कराऊंगा। तो दोस्तों इसमें EMI नंबर मैंने आपको चेक कराने के लिए कहा था, वो मैं शायद भूल गया हूँ, तो वो सही टाइम पर याद आ गया। तो चलिए इसका EMI नंबर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों लास्ट में EMI नंबर 170 है और 188 है। तो बिल पे भी देख लेते हैं, देखिए बिल पे भी देखते हैं दोस्तों, देखिए तो ये देखिए 170 है और 188 है। तो दोस्तों EMI नंबर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, EMI नंबर भी इसके बिल्कुल वर्किंग में है, कोई दिक्कत नहीं है EMI नंबर में। और चलिए मैं आपको चार्जिंग भी चेक कराता हूँ, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो ये हमने चार्जिंग लगा दी है, तो देखिए दोस्तों क्विक चार्ज लिखा आ गया है, और क्विक चार्ज का मतलब यही होता है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। ये देखिए क्विक चार्ज लिखा आ चुका है, तो देखिए MI टर्बो चार्ज लिखा आ गया है। तो इसमें जो क्विक चार्ज होता है दोस्तों उससे भी ऊपर की चार्जिंग सपोर्ट है, टर्बो वाली चार्जिंग सपोर्ट करता है ये मोबाइल। और एक बार पलट के भी लगा के देख लेते हैं, तो देखिए दोबारा भी लग गया, देखिए पहले क्विक चार्जिंग आएगा फिर MI टर्बो लिखा आएगा चार्जिंग, देखिए लिखा आ गया MI टर्बो। तो देखिए दोनों तरीके की चार्जिंग ये दोस्तों कर रहा है। और चलिए मैं आपको इसमें सिम भी डाल के दिखाता हूँ दोस्तों, लास्ट बस ये सिम डालना रह गया, वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करा करें।
क्योंकि आपको पता ही है मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, तो आप कहीं वीडियो स्किप ना करा करें, पूरी वीडियो देखा करें दोस्तों। ऐसा हो सकता है बहुत सी आप मिस कर जाए जानकारी, क्योंकि बहुत से भाई हमारी ऐसे है जो वीडियो पूरी देखते नहीं है और ऐसे ही आ जाते ऑर्डर लगवाने, फिर वो हमसे पूछते हैं जो बातें मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताई भी है। तो इसलिए दोस्तों मैं इनसे वही कहता हूँ कि आप जो है पहले अच्छी तरीके से वीडियो देखें। देखिए सिम आ चुकी है इसके अंदर, तो जहाँ हमारे शॉप है वहाँ 4G ही आता है, तो मैं आपको अंदर से जाकर दिखा देता हूँ 5G नेटवर्क का, तो आप अंदर से ईजिली देख सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए देखिए लिखा हुआ आ रहा है 5G प्रेफर, तो देखिए 5G प्रेफर का मतलब होता है 5G पे चलेगा ये, और ये रहा प्रेफर LTE का मतलब 4G है। तो देखिए इसमें कॉल करके भी देखते हैं दोस्तों, कॉल करके भी देखेंगे हम इसमें एक बार, बात करके देखेंगे, सेंसर वगैरह सब चेक करेंगे इसका, तभी पता लगेगा अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों मैंने कॉल मिला दी है, तो देखिए कॉल आ चुकी है। तो सबसे पहले सेंसर चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो MI के फ़ोनों में दोस्तों मैंने ये देखा है कि हाथ से सेंसर काम नहीं करता, ये कान पे लगाना पड़ता है। तो देखिए सेंसर काम कर रहा है दोस्तों कान पे लगाते ही, मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे कान तक लेके जाए एक बार, तो आपको पता भी लग पाएगा। देखिए देखिए ये देखिए दोस्तों सेंसर इसका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भाई ऐसा कमेंट करे कि हम सेंसर आपको कान तक ले आते हुए नहीं दिखाते, तो मैंने ये सोचा कि इसका सेंसर आपको दिखाया जाए। और बाकी इसमें एक बारी जो चीज़ दोस्तों दिखा सकता हूँ वो दिखा देता हूँ, एक बार स्पीकर इसका माइक वगैरह सब चीज़ चेक करते हैं। तो हेलो 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 हेलो, तो दोस्तों इसमें सब चीज़ वर्किंग है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर वगैरह ऊपर एयर स्पीकर, नीचे का माइक, ऊपर का माइक, लाउड स्पीकर, सब चीज़ वर्किंग है इसके अंदर, कोई फ़ोन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देखा ये मैंने 8000 रुपये के रेट में मंगाया है, और इसका दोस्तों बैक कैमरा ब्लर है, क्योंकि मैंने ब्लर में ही मंगाया था, और मैंने ये जानबूझ के देख के ही सी ग्रेड में दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है, तो मैं ब्लर में मंगा लेता हूँ फ़ोन, और इसलिए मंगा लेता हूँ दोस्तों क्योंकि हल्का फुल्का ब्लर होता है जो कि चल जाता है, तो हम इसको शॉप पे अपने इजीली बेच लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी चाहो तो मंगा सकते हो फ़ोन, लेकिन दोस्तों आप अगर बैक कैमरा ब्लर में अगर मंगाओ तो अपने रिस्क पे मंगाओ, अगर आप उसको आपकी एबिलिटी है उसको झेलने की, या आप फिक्स करवा सकते हो तो करवा लेना, नहीं तो आप अगर आपको ऐसे ही चलाना है वो फ़ोन, थोड़ा बहुत आपको बैक कैमरा ब्लर चलता है तो आप मंगा सकते हो, क्योंकि उसके पैसे कम कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको ओवरऑल सारे फ़ोन की दोस्तों कंडीशन भी दिखा दी, फ़ोन के बारे में भी बता दिया। और देखिए इसमें कैमरा दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और देखिए शाइनिंग देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल हर चीज़ ओरिजिनल है, बैक ग्लास भी ओरिजिनल है, डिस्प्ले भी ओरिजिनल है, और फ़ोन ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसी हमारी सारी वीडियो एंजॉय करते रहे, और किसी को ऑर्डर लगाना हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझे, नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो वीडियो प्ले होती है उसके वीडियो के ऊपर भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।